सो फाइनली हमने चेक इन कर दिया है। ये अब हमारा नया घर है गोवा में कुछ दिनों के लिए। ये हमारी छोटी सी किचन, हमारा फ्रिज, अलमीरा एंड वॉशरूम। I like it. So guys, it's a kind of studio apartment. मतलब हमें किचन, फ्रिज, अलमीरा सब मिला है और बहुत साफ सफाई है इधर। मैं और निखिल कितने दिन में इसको गंदा करते हैं वो हमारे ऊपर है ना निखिल? बहुत बिजी है अभी लड़का अपने ऑफिस के काम। चलो ठीक है, see you guys, शाम को मिलते हैं। शाम को थोड़ा घूमने निकलेंगे हम इधर। बाय। सो आज हम जा रहे हैं कायाकिंग करने फाइनली। हम 2-3 दिन से ट्राई कर रहे थे, हमको बुकिंग ही नहीं मिल रही थी बिकॉज इस बार बहुत सारे ट्रैवलर्स हैं इधर। तो फाइनली हमें बुकिंग मिली है और हम जा रहे हैं चपोरा रिवर के पास। चपोरा रिवर वाली कर रहे हैं हम, राइट? और रात को लाइट चली गई थी, अंबिका को नींद भी नहीं है और आज सुबह 6 बजे उठ गई है तो उसी शक्ल दिख ही रही है। और मेरी तबीयत भी थोड़ी खराब है, थोड़ा सा फीवर भी है। तो हमें अर्ली मॉर्निंग यानी अभी 6:30 हुए हैं, इस टाइम की बुकिंग मिली है। एंड ठीक है, धूप ज्यादा नहीं परेशान करेगी। सो कैब की बुकिंग थी हमारी 1200 की और जिसकी ड्यूरेशन है 75 मिनट्स। और हमारे स्टे से ऑलमोस्ट 4 किलोमीटर दूर है जहाँ से हमें स्टार्ट करनी है कैकिंग। हम मोरजिम में अभी एंड चपोरा के पास जाएंगे, चपोरा रिवर से करेंगे। एंड ये इनकी मैंने वेबसाइट पे चेक करा था तो गोवा में बेस्ट है इनकी कैकिंग और जितने भी वाटर स्पोर्ट्स हैं। तो अवार्ड विनिंग कंपनी है। यस, सो लेट्स गो। या अबाउट टू रीच एंड हमारी यहाँ से जर्नी स्टार्ट होगी कैकिंग की। अब देखते हैं यहाँ से लेकर जाएंगे हमें किसी बोट पे या यहीं से कैक चलवाएंगे। और अंबिका और मैं एक ही कैक लेने वाले हैं, दोनों एक ही कैक वाली बोट पे होंगे और हम अपनी गाड़ी यहीं पार्क करेंगे। अपना 7:30 का टाइम है ना? Yes. वेट करते हैं ना, अभी 15 मिनट है, इसके बाद बारी आएगी हमारी। तो हमें लगा था कि सिर्फ हम ही लोग हैं यहाँ कायाकिंग करने आए बट ये और भी लोग आए हुए हैं। बट आई एम नॉट श्योर कि कायाकिंग करने आए मेरे दोस्त भी जा रहे हैं। हाँ, हो सकता है। तो फाइनली हमारी बोट हमारे को लेने आ रही है एंड वो कायाक्स भी हैं पीछे, अंबिका वेट कर रही है। अंबिका ऑन बोर्ड। Hold your on this grass. Pass your both leg inside. Okay. One hand here. Okay. And then go and sit with your bum first. Okay. Okay. So don't do this with your leg. Always squat here and then go. So doing first. Never with your leg, always your butt first because if the leg is going to move over your body. So Ambika doing the hard work. Me resting. कैसे लग रहा है Ambika? बढ़िया। ये हम किधर जा रहे हैं? Guys, we are on Chapora River. So we are kayaking on. We are going up the river now. You can see these are the mangrove just front of us. We are heading towards that mangrove. Okay. So this river is 75 kilometer longer. From started from Morjim to up to Maharashtra and Karnataka between the parts. Maharashtra and Karnataka. So this is the tidal river. So means tidal river means the water is coming in 6 hours and going down 6 hours. Okay. So right now the tide is going down and we are facing the tide now. तो यार अच्छे से कहाँ टेढ़ी चला रहे हो कैक अपनी? हैं? ट्रैक भी जाता है, आगे बढ़ा रहा है मैं। हाँ यार, चलो। Over it. Direction, give directions. तो निखिल खड़े होके कायाकिंग कर रहा है आप। कैसा लग रहा है? हाँ बैलेंसिंग तो चाहिए, खड़ा होना बिल्कुल इजी नहीं है। कैसा एक्सपीरियंस वाला बताओ? तो अच्छा था। अब हमने कायाकिंग कंप्लीट कर लिया और हम थोड़ी सी रिफ्रेशमेंट ले रहे हैं। तो 3-4 दिन से हम मोर्जिन में ही थे, जहाँ हमने यहाँ रूम ले रखा है, वहीं पे अपना ऑफिस का काम कर रहे थे क्योंकि दोपहर के टाइम बहुत धूप होती है। बट आज मौसम अच्छा था, धूप नहीं थी, तो हमने डिसाइड किया कि हम आरंबोल बीच जाएंगे और वहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे स्वीट वाटर लेक है, वो एक्सप्लोर करेंगे। निकल लाएगा। सो गाइस अब गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है और नेविगेशन लग चुका है। 18 मिनट का रास्ता है और 8 किलोमीटर डिस्टेंस है टू आरंबोल, और वहाँ से फिर हम वॉकिंग करेंगे। कैसा लग रहा है आपको गोवा में ड्राइव करके? अपनी गाड़ी। ये हमारी कार है, ये हम हैं और ये गोवा है। गाइस ये आरंबोल का रास्ता है। आरंबोल अंजुना से कितनी दूर है? 1 घंटा ना भाई? Yes, quite far, but Morjim से it's quite. So अभी क्या हुआ, अंबिका ने ब्रेकफास्ट भी किया था और उसके बाद इतने सारे रेस्टोरेंट एंड किचन देख के अंबिका को फिर से भूख लगी। तो आरंबोल तो हम पहुंच चुके हैं, बट अब हम आरंबोल बीच पे जा रहे हैं बिकॉज बीच से ही रास्ता जो है वो स्वीट वाटर लेक का कटता है। राइट। कहाँ पे? शेक? बीच शेक। मतलब मेरे को बीच पे बैठ के खाने का इतना शौक नहीं है क्योंकि बीच पे जब हम बैठेंगे तो रेट डबल हो जाएगा खाने का। Okay. So, मुझे कहीं बाहर से खिला दो, बहुत भूख लगी है। Okay. बड़ा पाव खिलाता हूँ 10 रुपए का तेरे को। नहीं बड़ा पाव नहीं, बड़ा पाव की बेस्ट। मैं पुणे से बड़ा पाव खाता आ रहा हूँ, क्या टेस्ट होता है बड़ा पाव। वो महाराष्ट्र में ही अच्छा मिलता है बड़ा पाव, ये गोवा है। हम आरंबोल बीच पे पहुंच गए हैं और अभी हम ढूंढ रहे हैं कि हमें अपनी गाड़ी किधर पार्क करनी चाहिए। पीछे गली में रास्ता है, अच्छे आराम से जाइए पार्क। पीछे गली में रास्ता है। ओके फिर चलेंगे। हाँ तो ठीक है, यू टर्न ले लो, गाड़ी पार्क करते हैं। आज तेरे को सस्ती जगह बीच पे जाने से पहले ना हम ठूस के जा रहे हैं। बीच पे महंगा मिलता है सब कुछ और हमें लंबा ट्रैवल करता है तो बजट में खाना पीना ढूंढते हैं हम। यस, तो भी मैं जो जगह ढूंढी है वो दिखाती हूँ आपको। इट्स अ बेकरी, राइट? सैंडविच नहीं, कुछ सैंडविच। ओके ओके, सो देयर इज द मेन्यू। एक सैंडविच है? हां एक सैंडविच है, एक सैंडविच कर। तो सैंडविचेस हमारे रेडी हैं, बट हमने पैक करवाया है ताकि टाइम वेस्ट ना हो, चलते चलते खा लेंगे। ओह माय गॉड, दिस इज यमी। दिस लुक्स यमी। फाइनली भूखे को मिल गया खाना। और सबसे अच्छी बात है कि ये बीट बन वो है, बीट लोग है। यप, इसका भी अपना मजा है। तो अब हम जा रहे हैं फाइनली आरंबोल बीच और वहाँ से ढूंढेंगे हम स्वीट वाटर लेक का रास्ता। एक तो मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि भगवान आज इतना मेहरबान कैसे है हमारे ऊपर। धूप ही नहीं है सुबह से, इतना बढ़िया मौसम है, ठंडी हवा चल रही है, वो भी गोवा में। मैं तो ये हैट सेफ्टी के लिए गई थी, ये धूप हो जाएगी तो पहनूंगी। अब ठीक है, धूप नहीं है तो मैं और खुश हूँ। ये है आरंबोल बीच की एंट्री, यहाँ से हम जा रहे हैं अंदर। तो ये बीच भी काइंड ऑफ कमर्शियल है अंजुना की तरह। एंड जैसे ही आप एंट्री करते हो बीच पे तो आपको जाना है राइट साइड पे, उधर स्वीट वाटर लेक के लिए। गाइस वो जो आपको पीछे दिख रहा है एरिया, उसके पीछे है स्वीट वाटर लेक, तो हमें यहाँ से वॉक करके जाना है यहाँ। तो अभी हम आरंबोल के बिल्कुल कोने में आ गए हैं, तो हमें वहाँ पीछे जाना है। We are about to reach Sweet Water Lake. Meanwhile, आप ये वाला नज़ारा देखिए। गाइस ये आरंबोल की बैक साइड है, तो जब हम जा रहे थे स्वीट वाटर लेक तो ये रास्ता आता है। फाइनली हम पहुंच गए हैं लेक के पास एंड दिस इज अनदर वर्जन ऑफ आरंबोल बीच विथ क्राउड इज लेस एंड पीपल आर एंजॉइंग मोर। और ये है हमारी स्वीट वाटर लेक। यस Oh my God! इधर भी लोग चिल कर रहे हैं, पीस है इधर यार। So अभी हम जा रहे हैं स्वीट वाटर लेक के अंदर नहाने। कैसा लग रहा है? फ्लोट किया भाई, काफी फ्लोट किया। कैसा लगा? बहुत चिल माहौल है यहाँ, सब लोग एंजॉय कर रहे हैं एंड सबसे ज्यादा एंजॉय कर रहा है ये छोटू बेबी। So, मैंने ऑर्डर किया था अपने लिए ये मैंगो स्मूदी। स्वीट वाटर लेक, तो जिनको गोवा आके बीच में नहीं नहाना वो इस लेक में भी नहा सकते हैं। It was quite good experience. Yes. नमकीन पानी मेरे मुंह में भी नहीं आया और रेती भी नहीं चिपकी शरीर के ऊपर, सैंड भी नहीं लगी बॉडी पे। एंड वो स्वीट वाटर लेक जो है प्राइवेट प्रॉपर्टी है, तो वहाँ पर बैठने के कुछ चार्जेस हैं या फिर आप कुछ खाने का मंगा लीजिए। यस ओके गाइज, सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग, बाय।